हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री उमा अमर बॉडी बिल्डर्स में। दोस्तों मैं हूं दिव्येश, आप सभी का दोस्त। आज आपके लिए लाए हैं टाटा 4825 के BS6 वेरिएंट का फुल वीडियो। दोस्तों आज आपको दिखाने वाले हैं इसका AC स्लीपर केबिन और साथ में चेसिस। दोस्तों तो टाटा ने 16 टायर की इस चेसिस के अंदर क्या कमाल कर दिखाया है वो आज आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को आरंभ करते हैं। हमारे नए दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल श्री उमा अमर बॉडी बिल्डर्स में स्वागत है। आज के इस केबिन और चेसिस के रिव्यू वीडियो का आरंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका केबिन का ओवरव्यू। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं टाटा 4825 के जो कि इंडिया का सबसे बड़ा टिपर ट्रक है, इसके ऊपर हम यहाँ पे बॉडी बनाने वाले हैं। पहले आपको दिखाते हैं इसके केबिन का ओवरव्यू। दोस्तों इसके केबिन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे टाटा सिग्ना केबिन आपको मिलने वाला है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-पीस फोल्डिंग बम्पर, साथ में हनीकॉम ग्रिल डिज़ाइन की यहाँ पर आपको फ्रंट में ग्रिल मिलेगी, सिग्ना की बैचिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विन वाइपर का सेट और ऊपर भी यहाँ पे टाटा ने एक अलग से ग्लास दिया हुआ है। दोस्तों साथ में आपको टाटा का भरोसा तो मिलने वाला ही है। दोस्तों साइड व्यू से केबिन देखें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअल रिवर्स व्यू मिरर भी आपको यहाँ टाटा ने प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों साथ में यहां आप देख सकते हैं दोस्तों 4825 की बैचिंग और साथ में यहां BS6 की बैचिंग भी टाटा ने दी है। दोस्तों केबिन में चढ़ने के लिए भी काफ़ी अच्छा यहां टाटा ने स्टेप बनाया है जिससे कि आप आराम से केबिन के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों इंटीरियर की बात करें दोस्तों तो यहां पे टाटा ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर मटेरियल यूज़ किया है। साथ में यहाँ आप देख सकते हैं दरवाजे के अंदर बॉटल होल्डर और मैनुअल मिरर भी यहां आपको साथ में मिलेंगे। दोस्तों तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके स्टीयरिंग की। यहां पे पावर स्टीयरिंग आपको मिलने वाला है। दोस्तों यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं डिजिटल प्लस एनालॉग क्लस्टर यहां पे टाटा ने प्रोवाइड किया है। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर, टेम्परेचर मीटर, RPM मीटर और फ्यूल गेज भी। दोस्तों साथ में बहुत सारे फीचर्स इस एनालॉग क्लस्टर में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों टाटा ने इस AC स्लीपर केबिन के अंदर काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ड्राइविंग मोड टाटा ने प्रोवाइड किया है, हैवी मोड, लाइट मोड वगैरह वगैरह। साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों AC का कंट्रोल जो कि इस केबिन के अंदर काफ़ी अच्छा फीचर है। दोस्तों साथ में आपको यहाँ पर 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग प्लग भी मिलेगा। दोस्तों AC के वेंट भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे टाटा ने AC के वेंट भी प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों आप सभी दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, छोटे से बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। स्लीपर केबिन होने के कारण इस केबिन के अंदर आपको काफ़ी स्पेस मिलने वाली है। दोस्तों 3-way एडजस्टेबल सीटें यहाँ पर टाटा ने प्रोवाइड की है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे स्लीपर बर्थ भी यहाँ पर टाटा ने प्रोवाइड किया है जो काफ़ी आरामदायक है। दोस्तों ओवरऑल टाटा ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटीरियर बनाया है। दोस्तों साथ में अब आपको दिखाते हैं इसका 9-speed ट्रांसमिशन गियर नॉब। गाड़ी हमने यहाँ पे दोस्तों ऑन करके रखी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं वाइब्रेशन बिल्कुल ही कम है। गियर नॉब भी आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ही वाइब्रेट नहीं कर रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों 4825 के BS6 टाटा के इस चेसिस के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्ट्रेट लेडर टाइप चेसिस फ्रेम मिलने वाली है। दोस्तों 300 लीटर का पॉलीमर टैंक यहाँ आपको मिलेगा दोस्तों जो कि एंटी फ्यूल थिफ्ट के साथ आता है। दोस्तों एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 10x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये गाड़ी टाटा ने बनाई है। ड्यूअल लिफ्ट एक्सल भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूअल लिफ्ट एक्सल टाटा ने प्रोवाइड किया है। दोस्तों सेमी इलेक्ट्रिकल लिप स्प्रिंग वाले सस्पेंशन भी यहाँ पे आप रियर एक्सल में देख सकते हैं। दोस्तों टाटा ने इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया है। इसकी प्राइस दोस्तों 50,20,000 के आसपास एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पर टाटा ने बताई है। दोस्तों बात करते हैं इसके GVW की तो 47,500 का GVW वेट आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों टेल लाइट की तो यहाँ पे LED लाइट्स जो कि प्रोटेक्टिव केस के साथ टाटा ने प्रोवाइड की है। दोस्तों
बात करते हैं दोस्तों इसके टायर्स की, तो 295/90/R20 के टायर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। 16 प्लस एक स्पेयर व्हील के साथ यहाँ पे टोटल 17 टायर आपको टाटा देने वाली है दोस्तों। टाटा की इस 4825.T के BS6 वेरिएंट की गाड़ी के ऊपर हम एक शानदार बॉडी बनाने वाले हैं दोस्तों, जिसका वीडियो अगले वीडियो के अंदर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पे कुछ और एयर टैंक्स की। टाटा ने काफ़ी सारे एयर टैंक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, साथ में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्साइट की 12 वोल्ट की दो बैटरियाँ भी टाटा ने प्रोवाइड की है, जो कि कट ऑफ स्विच के साथ आपको यहाँ मिलेगी दोस्तों। 6.7 लीटर 6 सिलेंडर इंजन यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड किया है, जो कि 250 HP का पावर प्रोड्यूस करता है 2300 RPM के ऊपर, और 950 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1000 से 1700 RPM के ऊपर दोस्तों। 9 स्पीड ट्रांसमिशन विथ 430 mm डायामीटर का क्लच यहाँ पे टाटा ने इसके अंदर प्रोवाइड किया है दोस्तों। 4825.T के BS6 वेरिएंट का ये ट्रक टाटा की ओर से बनाया हुआ इंडिया का लार्जेस्ट टिपिंग व्हीकल है दोस्तों। इसके ऊपर हम एक शानदार बॉडी बनाने वाले हैं दोस्तों, जिसका वीडियो आपको अगले वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसकी बॉडी हमने यहाँ पे बना के तैयार रखी हुई है, जो आप देख सकते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।